ओम शांति। अच्छा, आज मैंने सोचा था कुछ निश्चय के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। तो बहुत सारे प्रकार के निश्चय हैं और निश्चय ही हमारे पुरुषार्थ की नींव है। यदि हमें निश्चय नहीं है पूरा, तो हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। ढीला ढाला, निश्चय ढीला ढाला तो पुरुषार्थ भी ढीला ढाला ही रहेगा। तो यदि हमें पावरफुल पुरुषार्थ करना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो हमें अपने फाउंडेशन को चेक करना है, और वो फाउंडेशन है निश्चय। तो मैं निश्चय की कुछ बातें आपके सामने शेयर करूंगा। तो मुख्य रूप से 8 प्रकार का निश्चय है। सबसे पहले है स्वयं पर निश्चय। स्वयं पर निश्चय में कई बार हम समझ लेते हैं कि भाई हाँ, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, हमने समझ लिया। लेकिन क्या केवल समझना ही पर्याप्त है या उससे आगे कुछ और है? स्वयं पे निश्चय का मतलब क्या है? स्वयं पे निश्चय का मतलब है कि बाबा ने मुझे मेरी स्मृति दिलाई है कि आप कौन सी आत्मा हैं। मैं आत्मा हूं, ये तो हम भक्ति मार्ग में भी बोलते थे, मेरी आत्मा को मत दुखाओ, दुनिया से जाना है एक दिन सबको, किसको? आत्मा को, है ना? तो भक्ति में भी हम लोग आत्मा तो मानते ही थे ना। तो मैं आत्मा हूं जान लेना पर्याप्त नहीं है, ये तो बेसिक शुरुआत की बात है। लेकिन स्वयं पे निश्चय का मतलब है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, उस पे निश्चय। जैसे ब्रह्मा बाबा को शुरू से ही पता चल गया था कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं नारायण की आत्मा हूं। मम्मा को पता चल गया था कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं सरस्वती की आत्मा हूं। आज मुरली में बाबा ने दादी जानकी जी और दादी प्रकाशमणि जी को भी याद किया, कैसे? कि ये भी 84 जन्म लेते हैं, इनका भी श्योर है, इनके भी बाबा ने गारंटी लिए कि ये भी पूरे 84 जन्म लेते हैं। और उसका आधार क्या बताया, किस आधार पे 84 जन्म लेते हैं? अनन्य बच्चे तो हैं, पर किस आधार पर वो 84 जन्म बाबा ने कहा ये लेंगे? सेवा, सर्विस। सर्विस के आधार पे, क्योंकि पुरुषार्थ केवल एक है, अपना पेट भरना, भाई ठीक है अपना ज्ञान योग कर लिया, हम खुश हैं, ठीक है। उससे आप बहुत ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद पाएंगे आप सेवा करने से। कितनों को आपने आपसमान बनाया, कितनों को आपने ऊंची स्टेज पर लेके गए औरों को, उसके आधार पर आपको ऊंच पद मिलता है। दादी जानकी जी, दादी प्रकाशमणि, बाबा के टाइम से ही सेवाओं में लगे हुए हैं और बाबा के अनन्य बच्चे शुरू से रहे हैं। तो इनका बाबा कहते हैं, इनका श्योर है कि ये 84 जन्म लेने वाले हैं। तो हमारा क्या हाल है, हम कितने लेने वाले हैं? 84 लेने वाले हैं, 83, 82, कौन कौन लेने वाले हैं आप में से, हाथ खड़ा करिए। 84 जन्म, बाबा कहते हैं अपने को जानना है। स्वयं पर निश्चय का मतलब ही है स्वयं को जानना, कि मैं कौन सी आत्मा हूं। सत्युग में तो मैं था, लेकिन मैं क्या था सत्युग में? या अभी पता नहीं बाबा जो बना दे, ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं सोच के रखा है। सत्युग में आना बड़ी बात नहीं है, भक्ति मार्ग में तो सत्युग में आना ही बड़ी बात मानते थे, लेकिन यहां ज्ञान मार्ग में सत्युग में आने को ही बड़ी बात नहीं मानते हम, है ना? सत्युग में आना ही बड़ी बात मानते हैं क्या? वो तो आ ही गए ना, बाबा के बच्चे बन गए, मतलब सत्युग में तो आना ही है। अब रही पद की बात, कि सत्युग में जाएंगे लेकिन वहां बनेंगे क्या? तो वो अपने आप को सोचना है कि मैं क्या था सत्युग में। एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करना और सोचना कि मैं क्या था, क्योंकि जब आपको उस चीज का जब पता चलेगा ना, तो वैसा ही पुरुषार्थ आपका होगा। यदि आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो अष्टरतन की आत्मा हूं, आपको रियलाइज हो गया, तो आप देखिए आपका व्यवहार सब चेंज हो जाएगा, आपका पुरुषार्थ, आप व्यर्थ में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो अष्टरतन की आत्मा हूं, तो मुझे वैसा ही पुरुषार्थ करना है, मुझे तो बहुतों का कल्याण करना है। तो अपने आप आपका समय और ये सब चीजें बचनी शुरू हो जाएगी। जब आपको पता चलेगा मैं 108 की आत्मा हूं, तो आप 108 के हिसाब से पुरुषार्थ करेंगे। 16,000 की आत्मा हूं, तो 16,000 के हिसाब से करेंगे। तो इसलिए अपने आप को पहले तो फिक्स करो कि मैं कौन से नंबर में आने वाली हूं। तो इसका मतलब अभी तक भी हमने स्वयं को नहीं जाना है पूर्ण रूप से। तो स्वयं को जानना है, ये शुरुआत है, उसके आधार पर ही पुरुषार्थ होगा। तो इसलिए जितना हो सके एकांत में बैठ के अपने आप से बातें करके चिंतन करना है। तो जितना आप चिंतन करेंगे, आपको पता चलेगा, अंदर से स्मृति आएगी आपको कि नहीं, मैं तो रॉयल फैमिली में आने वाली हूँ। सत्युग में बावन बताए ना कौन कौन से पद हैं,
तो रॉयल फैमिली भी है, राजा रानी भी हैं, दास दासी भी हैं, दास दासी के दास दासी भी हैं, तो मैं कौन, क्या बनने वाला हूँ? तो वो आप थोड़ा सा सोच के, चिंतन करके अपना पद फिक्स कर लें, उसके आधार पर फिर पुरुषार्थ होगा, फिर आपकी जलन अपने आप वैसी बनेगी। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ये है स्वयं पर निश्चय, और दूसरा है भगवान पर निश्चय, बाप पर निश्चय। तो बाप पे तो सबको निश्चय है। क्या निश्चय है भगवान पर? नॉर्मली क्या हम मानते हैं, भगवान ज्योति स्वरूप हमने मान लिया, पहले हम श्री कृष्ण को या किसी देवता को भगवान मानते थे, अभी हमने समझ लिया कि भगवान कोई देवता नहीं है, लेकिन वो तो ज्योति स्वरूप है, निराकार हैं, वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, है ना। तो एक तो ये मोटे रूप से ये जानकारी जो हमें मिली, और इस पर निश्चय है कि हाँ ये है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो परम देवता हैं, सबसे बड़े देवता हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो एक तो ये बात है, लेकिन दूसरा इसमें निश्चय में आता है कि भगवान पे निश्चय का मतलब है कि भगवान मेरा मददगार है, भगवान मेरा साथी है, वो हर पल हर कदम मेरे साथ है, और वो मुझे मदद करेगा क्योंकि मैं उसके मार्ग पर चल रहा हूँ। तो जो उसके मार्ग पर चलता है वो उसको मदद करता है। तो ये निश्चय होना चाहिए, ये निश्चय ही निश्चय बुद्धि है, क्योंकि परिस्थितियाँ आएंगी तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है, भगवान भी मेरी नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा लग रहा मतलब आपको कहीं ना कहीं भगवान पे निश्चय नहीं है। एक तो परिचय है आपको, भगवान ज्योति स्वरूप है, और उस परिचय पे भी निश्चय है आपको, लेकिन भगवान मेरा साथी है, वो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं होने देगा क्योंकि मैं उसकी राह पर हूँ, ये निश्चय चाहिए। दूसरा इससे संबंधित जो निश्चय है वो है भगवान के रथ पर निश्चय। भगवान पे तो निश्चय है कि वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन रथ पे भी निश्चय होना बहुत जरूरी है कि वो ब्रह्मा के तन द्वारा आकर के हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है जो हम सुन रहे हैं रोज, मुरली जिसको हम कहते हैं, ये किसने दिया? ये परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा दिया, और बाद में दादी गुलजार जी के द्वारा दिया। तो ये जो रथ हैं बाबा के निमित्त बने हुए, इन पर भी हमें निश्चय चाहिए। इन पर कईयों को जब निश्चय नहीं रहता है, तो आजकल क्या है, क्योंकि अभी 2-3 साल से दादी जी की तबीयत खराब होने के कारण जो बाबा का अव्यक्त पार्ट साकार में चलता था, वो उसको हम मिस कर रहे हैं सभी। तो उसका फायदा उठा के कई लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही बाबा बन के बैठ गए हैं, है ना। कोई कहता जी बाबा आता है, कोई कहता मम्मा आती है, तो ऐसे मम्मा बाबा बहुत बन के आजकल बैठ गए। और ये आज से नहीं, ये पहले से भी ये सब चल रहा है, जब से बाबा का अव्यक्त पार्ट शुरू हुआ है तब से ही इस टाइप से लोग मतलब कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाता उनका, 2-4 साल चलता है फिर वो खेल पूरा हो जाता है उनका। इसलिए कभी भी इन बातों में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें 100% निश्चय हो कि भगवान ने जो मुरली सुनाई है ये ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा, और दादी गुलजार जी के द्वारा जो अव्यक्त वाणियाँ चली हैं, वही हमारा मतलब पुरुषार्थ का आधार होना चाहिए। और भगवान ने सब कुछ तो सुना ही चुका है ना, कुछ पॉइंट ऐसी रह गई है जो नहीं बताई है भगवान ने। एक बार अभी कुछ 3-4 साल पहले की बात होंगी, तो बाप दादा से लास्ट में निर्भय भाई ने बात किया कि बाबा कुछ पुरुषार्थ की बातें बताइए, हम आगे क्या पुरुषार्थ करें। तो बाबा ने पता है क्या बताया था, बाबा ने कहा बाबा सब कुछ बता चुके हैं, बाबा ने कुछ नया पुरुषार्थ नहीं बताया। बाबा ने कहा कि बाबा सब कुछ बता चुके हैं, आपको पता है क्या पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा को अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कई अभी जो कहते हैं जी अभी बाबा वहाँ आ रहा है, हम कहते हैं भी किस लिए आ रहा है, जरूरत ही नहीं है, भगवान तो सब कुछ दे चुका है, अब भगवान आता ही रहेगा, या हमको भी जाना है ऊपर, या भगवान को नीचे बुलाते रहना है पूरे संगम युग का, फिर सतयुग भी आ जाए, फिर भगवान आता ही रहे, कुछ समय का एंड होगा कि नहीं। तो अब एंड का समय है, अब हमें ऊपर जाना है, अभी भगवान को आने का समय पूरा हुआ, अब हमें ऊपर जाने का समय है, इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी है, ना कि अभी भगवान को नीचे बुलाना है। अभी कौन सी पॉइंट बाकी है जिसके लिए आप भगवान को बुलाना चाहते हो अभी? और इतनी मुरलियाँ चल चुकी हैं, सबकी वीडियोज हैं, आप लिखित में सारी मुरलियाँ पढ़ सकते हैं, एक एक ज्ञान को बाबा ने कितनी कितनी बार बता चुके हैं।
तो इसलिए ज्ञान में अभी कोई बात ऐसी नहीं है जिसको हमें जानना और बाकी है, या पुरुषार्थ की कोई ऐसी बात अभी बाकी नहीं है जो हमें जाननी है। अभी सब कुछ क्लियर है अभी, इसलिए अभी केवल पुरुषार्थ करना है हमें, संपूर्ण अवस्था प्राप्त करके वापस जाने का, ना कि अभी बाबा को बुलाने का पुरुषार्थ करना है। या कोई चाहते हैं अभी बाबा से मिल लिए सभी, वैसे आप में से कोई हैं जो अभी तक बाबा से साकार मतलब अव्यक्त पार्ट को नहीं देखा? जिन्होंने सबने देखा बाबा को आते हुए देखा ना, देखा है ना? हाँ, तो इसलिए अभी जिन्होंने नहीं देखा उनका भी अब पार्ट कहेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी भविष्य में अभी क्या होगा कोई नहीं जानता अभी। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान को साकार में आते हुए देखा, दादी जी के द्वारा कैसे बाबा आते थे, तो ये भी एक इतिहास बन गया ना अपने आप में कि हमने साकार में मतलब भगवान को आते हुए देखा। जब मैं ज्ञान में आया तो मैं 98 में ज्ञान में आया था, मैं ज्ञान के आधार पर ही ज्ञान पे आया, मुझे यही नहीं पता था सेंटर होता है, ब्रह्मा कुमारी बहनें होती हैं, कुछ नहीं पता था। किसी ने मेरे को बस ज्ञान की एक किताब दी, वो पढ़ी और मुझे निश्चय भी हो गया कि ये भगवान के महावाक्य हैं, ये भगवान का ज्ञान है और ये भगवान ने दिया था ब्रह्मा मुख के द्वारा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी बाबा आते हैं वो मुझे नहीं पता था, और वो किसी ने मेरे को फिर बताया, जैसी मतलब कोर्स किया, जब पता चला कि गीता पाठशाला है गांव में और ऐसे से, तो फिर हम जाना शुरू हुए और उन्होंने बताया कि अभी भी भगवान आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो गई कि अच्छा अभी भी आते हैं। हाँ, बोला आप भी मिल सकते हैं, बोला अच्छा मैं भी मिल सकता हूँ। तो इतनी खुशी हुई, बोले कब आएगा वो दिन, तो कहने का मतलब फिर 6 महीने बाद मेरे को चांस मिल गया था, 6 महीने ही ज्ञान में हुए थे और बाबा से मिलने का चांस भी मिल गया था। तो कहने का भाव ये है कि वो तो अपने आप में एक सौभाग्य है, और बाबा ने पहली मीटिंग में ही लास्ट सो फास्ट का वरदान भी दिया था, वो याद है मेरे को 98 की मुरली में। तो कहने का भाव ये है कि हमें रथ पे भी पूरा निश्चय होना चाहिए कभी भी हमें। और मैं आपको अपना बताऊं, मैं जब ज्ञान में आया ही था उस समय मेरे को शंकर पार्टी की उसी कैसेट होती थी ना, उस समय कैसेट मिली और पूरी लिखित मिली, मतलब किताबें वगैरह किसी ने मतलब हमारी बहन थी उनको दे दिया था और उन्होंने मेरे को दिया, उन्होंने तो बाबा की किताबें समझ के ले ली थी और देखी तो वो तो शंकर पार्टी की थी क्योंकि उसमें कुछ अलग ही टाइप से समझा रखा था। तो लेकिन मैं एकदम नया नया था, तो भी मुझे उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। क्यों? मैं बोला ये तो अपनी मुरली को ही, जो हमारी मुरली हैं उन्हीं को करेक्शन करके अपना मुरली बना रहे हैं। अगर ये इतना ही वो है तो अपनी मुरली लेके आए ना, अगर इनके यहाँ भगवान आता है तो ये अपनी मुरली लेके आए, हमारी मुरली को क्यों चला रहे हैं? तो इससे समझ में आ जाता है ना कि ये तो हमारी मुरली का ही करेक्शन कर रहे हैं बस अपने हिसाब से, तो उसमें भगवान कहाँ है फिर? तो इसलिए मुझे शुरू से ही इस मामले में बिल्कुल भी 1% भी कभी भी ये नहीं आया कि नहीं ये नहीं है, कहीं दूसरी जगह बाबा आता होगा या ऐसा, कभी भी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं निश्चय के ऊपर ही क्लास कराऊं, क्योंकि जो विशेषता खुद में हो तो दूसरों को देना अच्छा है। तीसरी बात थी, इसी से संबंधित है, कि जो ज्ञान हमें मिला है ये ईश्वर का दिया हुआ है। रथ पे निश्चय और ज्ञान पे निश्चय, ये जो ज्ञान है ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये सतवचन महाराज, जो बाबा कहते हैं ना सतवचन महाराज, जो हम भक्ति में करते आए, तो ये एक एक महावाक्य सत्य हैं, क्योंकि ये ट्रुथ जो गॉड है, जो गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, उस ट्रुथ ने कहा है। तो मैं जब ज्ञान में आया तो मुझे जैसे 5000 साल की बात है, ड्रामा 5000 साल का है, तो कईयों को आता है ना भाई ऐसे हम तो लाखों वर्ष का मानते थे, लाखों वर्ष का एक एक युग होता है ऐसा मानते हैं, लेकिन अभी 5000 साल का ही बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आता है ना बुद्धि में, मेरे को भी आया हल्का सा। तो तुरंत मेरे को ये आया कि ये कह कौन रहा है, अगर भगवान में निश्चय है, ये ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने दिया है, तो भगवान तो सत्य है, तो सत्य अगर कुछ कह रहा है तो वो सत्य ही है ना। हालांकि हम नहीं समझ पा रहे, उसका कारण दूसरा है, उसका कारण ये कि हम आज तक भक्ति मार्ग में इतना सुनते आए, जो हमने बुद्धि में वो सब भूसा भरा हुआ है, इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम लाखों वर्ष का है, लेकिन सत्य कुछ और है। तो इसलिए जब भगवान पे निश्चय होता है तो भगवान की बातों पर भी निश्चय होता है, और भगवान की जब बातों पर निश्चय होगा तो फिर आपको कोई बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर धीरे धीरे सब चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती, फिर अपने आप चलते जाओ। और शुरुआत में योग सीखो, क्योंकि जब हम योग करते हैं भगवान से, तो योग से हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं।
इसलिए गीता में भी है कि आप, क्योंकि अर्जुन बहुत बहस कर रहा था ना भगवान से, गीता में ऐसे दिखाया ना, वो बहुत बहस कर रहा था, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। तो भगवान ने यही कहा कि आप मुझे जानना चाहते हो तो मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, मेरे साथ जितना बुद्धि योग लगाओगे तो मेरे को आप जान सकते हैं। केवल ज्ञान से भगवान को नहीं जाना जा सकता, भगवान को जानने के लिए हमें अपना बुद्धि योग भगवान से लगाना पड़ेगा। जब हमारा बुद्धि योग उससे लगेगा तो आत्मा में वो प्योरिटी आएगी भगवान को समझने की, तो हम पूर्ण रूप से भगवान को समझ सकते। तो तीसरा निश्चय है परिवार पर निश्चय, ईश्वरीय परिवार। ये दैवी परिवार हमें 5000 साल के बाद मिला है। जैसे बाबा हमें बहुत समय के बाद, जैसे बाबा कहते हैं सिकी लदे बच्चे कहते हैं बाबा हमें, कि हम 5000 साल के बाद बाबा को मिले हैं, ऐसे ही ये जो ईश्वरीय परिवार है ये भी हमें 5000 साल के बाद मिला है। हम 5000 साल इकट्ठे रहे हैं लेकिन हमें एक दूसरे की स्मृति नहीं थी, लेकिन ज्ञान मार्ग में आके बाबा ने याद दिलाया कि आप सतयुग से आप पूरा परिवार इकट्ठा है, साथ में रहे हैं। साथ मीन्स कोई परिवार में रहे, कोई पड़ोस में रहे, या मतलब कहीं ना कहीं संबंध में थे लेकिन पहले पहचान नहीं थी। तो ये हमारा 84 जन्म साथ रहने वाला परिवार है, जो हमें अभी जो हमारा लौकिक परिवार है वो हिसाब किताब के कारण परिवार मिला हुआ है। ये हमारा परिवार हिसाब किताब के कारण नहीं मिला है, ये रूहानियत के आधार पर परिवार है। ये ईश्वर ने इसको इकट्ठा किया है ना, हम सबको किसने मिलाया? ईश्वर बाबा ने मिलाया ना हमको। तो इसलिए ये परिवार हिसाब किताब वाला परिवार नहीं, ये रूहानी प्रेम के धागे में बंधा हुआ परिवार है। हम सब का क्या रिलेशन है? एक प्रेम के आधार पर ही तो हम सब मिले हुए ना। मैं ORC दिल्ली में रहता था, जैसे बहन जी ने परिचय कराया, 8-9 साल वहाँ था, तो हम एक रूम में 9 भाई रहते थे उस समय। 9 भाई 9 स्टेट के थे, अलग 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 9 राज्यों के हम 9 भाई रहते थे, और बहुत प्यार से सभी रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब वैसे कौन कैसे पहचानता हम कौन किस स्टेट का, लेकिन बाबा ने मिलवा दिया। वो कहते ना, काट काट की लकड़ी इकट्ठी, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। तो कहने का मतलब बाबा ने चुन चुन के एक एक को कहाँ कहाँ से एक परिवार बनाया। तो इसलिए हमें इस परिवार से कभी भी तंग नहीं आना है। कई बार माता तंग आ जाती है एक दूसरे से, रूम वाली माता है रूम वाली से, भले रहना एक दो मास ही है, हम तो सालों साल यहीं रहते हैं। हम जो भी भाई आपस में रहते हैं तो हम तो सालों साल ही रहते हैं ना, आप तो फिर भी एक दो मास ही रहोगे साथ में, उसी में कई बार परेशान हो जाती माताएं, ऐसा तो नहीं है यार, खुशी से रहती है, प्यार से रहती है। हाँ, तो कभी भी किसी भी, और देखो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम हैं, हम दो भाई रहते हैं, मैं और एक भाई और हैं। तो जैसे मैं पहले आया रूम में, वो लेट आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं सोना है मेरे को तो नेचुरल है, तो सोना है तो मैं बाथरूम की लाइट जला के सोता हूँ। मतलब मैंने रूम की लाइट बंद की, बाथरूम की लाइट जला के सोऊंगा, क्योंकि वो आएगा तो एकदम अंधेरा नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे दूसरे को ध्यान रखना, अच्छा वो भी आके फिर रूम की लाइट नहीं जलाएगा, उसको पता है कि मैं सो गया हूँ। तो ऐसे एक दूसरे का जब हम ध्यान रखते हैं ना, तो ये है रूहानियत। ऐसा नहीं कि हम तो लाइट जला रहे हैं आके, अब उसकी तो नींद खराब होगी, उसकी नींद खराब होगी, उसका अमृत वेला खराब होगा, उसका बोझ चढ़ेगा जी। हाँ ऐसे ही, तो ऐसे ही एक दूसरे का ध्यान रखना, इसी को हम रूहानियत कहते हैं। ऐसे परिवार को जब हम ऐसे दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं तो फिर हमें भी बदले में वो भी ध्यान रखेगा ना। हमारा कर्मों की फिलॉसफी है, जैसा आप दोगे वैसे ही आपको मिलने वाला है। अच्छा फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत किसी के लिए अच्छा करते हैं फिर भी वो हमारे सामने विघ्न क्रिएट करता है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा हिसाब किताब भी होता है। तो हमें अब क्या सोचना है कि अब हिसाब किताब बढ़ाना है या चुकतू करना है? अगर हम उसको बढ़ाएंगे कि ठीक है वो हमें परेशान कर रहे तो हम भी उसको करें, तो क्या होगा, हिसाब किताब चुकतू होगा कि बढ़ेगा? तो बढ़ेगा ना, इसलिए हमें अभी बढ़ाना नहीं है। अगर किसी के साथ हिसाब किताब है भी किसी जन्म का, तो हमें उसको चुकतू करके अपने संबंधों को फिर से मधुर बनाना है। तो ये हुआ हम।
ही नहीं सकता। तो हर चीज कल्याणकारी है। इस ड्रामा के अंदर किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता, क्योंकि ये ड्रामा कर्म फिलॉसफी के आधार पर बना हुआ है। जिसने जो कर्म किया उसका फल उसको मिला, यही ड्रामा है। ड्रामा कुछ और नहीं है। कई लोग कहते हैं जी ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। होगा नहीं, आपने किया होगा तो होगा। आपको इसको अच्छी तरह समझना है। ड्रामा कर्म फिलॉसफी के आधार पर बना हुआ है, कर्म फिलॉसफी के अलग नहीं है। आपने अगर कुछ कर्म किया है ड्रामा में तो उसका फल आपको मिला है और वो ड्रामा में नूंद हुआ है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। होगा नहीं, आपने किया होगा तो होगा। इसलिए कभी भी हम, और ड्रामा कभी भी फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता, ड्रामा कभी भी पास्ट के लिए यूज होता है। जो चीज अभी तक हुई नहीं है, भले कल पहले हुई है लेकिन अभी तो हमें पता नहीं है ना। अभी जैसे आपने खाना आपके सामने रखा थाली में, अच्छा आप कहें जी ड्रामा में होगा तो मैं खा लूंगी। खाना रखा हुआ आप ऐसे देख रहे हो, ड्रामा में होगा तो खा लूंगी, ऐसे होगा क्या? ऐसे करते हैं आप? तो फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते ना ड्रामा। जब आप खा लेंगे उसके बाद कहेंगे कि ड्रामा में था इसलिए मैंने आज खा लिया। पहले फ्यूचर के लिए यूज करके देखोगे तो गलत हो गया। ये तरीका ही गलत हो गया। बैठे रहो, खाना रखा रहेगा आपके सामने, बोला ड्रामा में हो गए तो खा लूंगी, ऐसा करते हैं क्या? इसलिए ड्रामा को प्रॉपर वे में यूज करना है कि ड्रामा है जो पास्ट हो गया उसके लिए। बाबा कहते हैं ढाल है ये, ड्रामा की ढाल। कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी कुछ भी, हमारा घाटा हो गया, कुछ भी हो गया, उस समय हमें ड्रामा कि ड्रामा ये 5000 साल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। लेकिन कई बार हम फ्यूचर के लिए लगाते हैं, वो गलत है। जैसे कैंची, कैंची का काम है कपड़ा काटना, लेकिन आप हाथ काटोगे तो कौन जिम्मेवार है? तो आपने कैंची को गलत यूज किया ना। उसी तरह ड्रामा का ज्ञान बाबा ने दिया, आप कोई भी बात का चिंतन ना चलता रहे आपकी बुद्धि में, उसको शांत करने के लिए कि भाई नहीं ये ड्रामा था, फुल स्टॉप, बस वो होना था, बस हो गया, उसके लिए, ना कि फ्यूचर के लिए। तो हमेशा ड्रामा को हमें पॉजिटिव वे में यूज करना है, और हमें ये सोचना है कि ड्रामा कर्म फिलॉसफी के आधार पर बना हुआ है। हम ड्रामा में कोई कर्म करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा। हम अभी पुरुषार्थ करेंगे तो उसका फल हमको सत्युग में मिलना ही है। और इसके अलावा पांचवा है यज्ञ पे निश्चय, यज्ञ मधुबन। मधुबन यज्ञ है ना, बेहद का महायज्ञ, सेंटर है यज्ञ और मधुबन महायज्ञ है बाबा कहते हैं। और महायज्ञ में सेवा करने का महापुण्य लगता है, बाबा की मुरलियां चल चुकी हैं, आपने सुना होगा। तो इस महायज्ञ मधुबन पे भी हमें बहुत निश्चय होना चाहिए। ये वरदान भूमि है, ये परमात्म अवतरण भूमि है, यहाँ भगवान का पाठ चला है। आप भक्ति में आप जाइए, मथुरा वृंदावन, अभी भी कहते जी भगवान ने मुरली बजाई थी, वहाँ सुनाई थी गोप गोपियों को, है ना। अभी भी मतलब कितना उसको अच्छा मानते हैं, कितना वहाँ जाते हैं भक्त लोग, जबकि वो कथाएं हैं, केवल कहानियां हैं। रियल में तो भगवान यहाँ मुरली सुना रहा है, यहाँ पर वो पाठ चला है। तो उस भाव से हमें मधुबन की वैल्यू, यज्ञ की वैल्यू रखनी है। इसको कहेंगे मधुबन का निश्चय। और मधुबन की एक एक कण कण से हमें प्यार, कोई भी मधुबन की चीज वेस्ट ना हो। कुछ भी हम देखते हैं, कोई लाइट जली है कहीं भी, वेस्ट जा रही है कहीं भी लाइट, हम रूम से भी निकलते हैं तो वहाँ भी हमें चेक कर लेना चाहिए कि भाई कोई जला तो नहीं रह गया कोई लाइट वगैरह। तो कहने का मतलब हमारा, इसको कहेंगे मधुबन से प्यार, यज्ञ से प्यार। और यज्ञ से प्यार तभी होगा जब यज्ञ पे निश्चय होगा। ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, भगवान ने यहाँ पर जो भी आत्माएं यहाँ रह रही हैं वो किसकी सिलेक्शन है, किसने सिलेक्ट किया उनको? बाबा ने सिलेक्ट किया है। भले वो आज आपको कुछ आत्माएं ऐसी भी दिखती होंगी जो कम पुरुषार्थ कर रही हैं या नहीं भी कर रही हैं, ऐसा भी होंगी। तो कई बार डिस्टर्ब हो जाते भाई बहन जो सेवा में आते हैं एक दो मास, तो वो कईयों को देखते हैं, अरे ये मधुबन में रह के और पुरुषार्थ तो कर ही नहीं रहे। तो कहने का भाव ये है, मधुबन में जो भी भगवान ने जिसको भी रखा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, सब विशेष आत्माएं हैं। हालांकि वो आज, उसको आज स्मृति नहीं है इसलिए वो आज पुरुषार्थ नहीं कर रहा है ना, वो आज अपनी वैल्यू को ही भूल चुका है इसलिए वो आज पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो आया था, हो सकता उस समय उसकी भावनाएं, उस समय उसकी सेवा की भावना, उस समय बाबा के प्रति उसका प्यार बहुत ज्यादा हो, इसलिए तो बाबा ने चुना ना उसको।
ग्रहण को देखना मना है ना, है ना, मना करते हैं ना भाई ग्रहण को, नंगी आंखों से नहीं देखना, देखना नहीं चाहिए, तो उसको भी तो माया का ग्रहण लगा हुआ है ना, तो उसको देखना चाहिए हमें। तो जिसको माया का ग्रहण लगा हुआ है उसको हमें नहीं देखना है, हमें विशेषताओं को ही देखना है, ना कि हमें किसी के अवगुणों को देखना है। क्योंकि यदि हम अवगुणों को देखते हैं तो कभी भी हमारा पुरुषार्थ ऊंच नहीं होगा। यदि हमारी बुद्धि में कोई अच्छे पुरुषार्थी रहते हैं तो आज जो बावन आज मुरली में था कि किसको फॉलो करना है, अनन्य है, अनन्य बच्चों को फॉलो करना है, ना कि ऐसे लोगों को देख के अपने पुरुषार्थ को ढीला बनाना है। तो कभी भी हमें कमजोर पुरुषार्थियों को देख के कमजोरी अपने मन में नहीं लानी चाहिए, सदा ही अच्छे पुरुषार्थियों को ही देखें। और सबसे बढ़िया तो बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा तो केवल बाबा और मम्मा को देखो, या तो अनन्य बच्चे जो दादियां हैं हमारी, जो रतन है बाबा के, तो उनको देखो, उनको फॉलो करो, सबसे अच्छा तो वो है ना। तो इसलिए हमें मधुवन पे भी निश्चय होना चाहिए, उसके अलावा हमें विनाश में निश्चय होना चाहिए। कई समझते हैं बाबा तो कब से कह रहे हैं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला, अभी तक तो हुआ नहीं है। बाबा पहले बोलते थे अगली दिवाली नहीं देखोगे, तो कितनी दिवालियां चली गई उसके बाद। तो आप सबका क्या विचार है, विनाश होगा कि नहीं होगा? होगा तो हाँ, पक्का होगा। विनाश क्या है, विनाश की डेट बाबा पहले से नहीं बताते, क्योंकि पहले से डेट अगर बताएं तो डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर आप काउंट डाउन शुरू हो जाएगा, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, फिर बाबा याद नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक होना है। और जब बाबा ने कहा था अगली दिवाली नहीं देखोगे, आप समझिए उस साल में कुछ आत्माओं ने शरीर छोड़ा होगा, तो उनके लिए अगली दिवाली आई कि नहीं आई? नहीं आई ना। तो बाबा ने हो सकता उन आत्माओं को देख के बात कही हो कि अगली दिवाली नहीं देखोगे, इसलिए अभी पुरुषार्थ कर लो, एक ही साल आपके पास है। तो बाबा के बात में गहरा राज होता है, जिस राज को हम नहीं समझ पाते हैं, और हम समझते बाबा तो ऐसे ही बोल रहे हैं, इतने साल से बोल रहे हैं, अविनाश तो हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं बाबा के कहने के अंदर कुछ राज होते हैं, उसको समझ के हमें राजयुक्त बनना है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं परिवर्तन। विनाश शब्द अभी हम नहीं बोलते, पहले विनाश, क्योंकि लोग डर जाते हैं, विनाश बोले ब्रह्मा कुमारियां तो विनाश ही लाना चाहती, तो विनाश नहीं कहते हम, परिवर्तन कहते हैं कि अब ये दुनिया का परिवर्तन होगा, कलयुग से सतयुग आएगी। तो ये परिवर्तन तो होना ही है, और ये परिवर्तन हमें कब महसूस होता है, जब हम खुद का परिवर्तन करते हैं। जब हम दूसरों के अवगुण देखते रहेंगे, अरे ये माता जी ये सतयुग में जाएगी, अगर हमने ऐसा देख लिया तो फिर क्या होगा, फिर हमें सतयुग में भी निश्चय नहीं रहेगा, पता नहीं सतयुग में ऐसे आत्मा सतयुग में जाएंगी, तो हमें भी निश्चय नहीं रहेगा। जब हम अपने जीवन में गुणों को धारण करते जाएंगे तब हमें महसूस होगा कि नहीं सतयुग आने वाला है, और सतयुग में क्या क्या होगा। जो ब्रह्मा बाबा के लिए सुनते थे हम कि बाबा सतयुग को याद करके डांस करने लग जाते थे, है ना, सतयुग में मैं ये बनने वाला हूँ, मिचनू बनने वाला हूँ, श्री कृष्ण को मिचनू बोलते थे बाबा, तो बाबा डांस करने लग जाते थे, तो इतनी खुशी होती थी, क्योंकि वो खुद में अपने जीवन में धारण करते जा रहे थे गुणों को। तो जब हम अपने गुणों को धारण करते जाएंगे तो हमें वो खुशी होगी, और हमें वो निश्चय हमारा बढ़ेगा कि सतयुग आना ही है। इसलिए हमें हमेशा स्थापना, सतयुग की स्थापना पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए सतयुग की स्थापना तो होनी ही है, चाहे कोई भी कितना भी विघ्न डालें। अभी तो खैर कोई इतना विघ्न नहीं डालते, पहले तो ज्ञान मार्ग में अपने जहाँ भी हमारी सेवाएं होती थी वहाँ बहुत विघ्न होते थे, आप सबने कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन अभी तो कोई विघ्न की बात ही नहीं है। अभी तो बाहर वाले भी कह रहे हैं कि अभी इस दुनिया का परिवर्तन होना ही है। इसलिए अभी हमें क्या करना है, इन मुख्य 8 बातें जो मैंने बताई इनको अच्छी तरह चेकिंग करना कि सचमुच मेरा स्वयं पे निश्चय, बाप पे निश्चय, परिवार पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, उसके बाद यज्ञ मधुवन पे निश्चय, ज्ञान पे निश्चय, और स्थापना पे निश्चय, विनाश पे निश्चय, इन सब को हमें फिर से चेक करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ कब चला, जैसे उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ, है ना, उनको नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ कि अब ये दुनिया जाएगी, और ये तभी उनको जो हीरे का व्यापार था वो हीरे पत्थर नजर आने लगे। आपने कहानियां सुनी है ना बाबा की, जीवन कहानी, तो प्रसार शुरू हो गया उनका, वैराग आ गया पुरानी दुनिया से उनको कि ये हीरे नहीं है, ये तो पत्थर है, ये मुझे नहीं करना व्यापार, अभी समेट दिया,
भागीदार को बोल दिया कि जो मेरा हिस्सा दे दो, मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे तो सच्चे रत्नों का व्यापार करना है। जो आज बाबा ने कहा, जो ये अनगिनत कमाई होती है, जो ज्ञान रत्न है, ये बहुत अमूल्य है। और सतयुग में इतना खजाना बाबा देगा कि वहाँ गिनती नहीं होती सतयुग में पैसे की। आज बाबा की मुरली में था ना, सतयुग में पैसे की गिनती करेंगे, मेरे पास 2 लाख है, 4 लाख है, हैं कोई गिनती नहीं, अनगिनत होता हर एक के पास। इतना भरपूर बाबा बना रहे हैं, तो इसलिए हमें सदा इस खुशी में, इस नशे में हमें रहना है कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन खुशियों में भर जाएगा, और सदा उड़ते रहेंगे, सदा बाबा के गुण गाते रहेंगे, और ऐसे ही संगम युग हमारा बीतेगा खुशियों में, और हम सब सतयुग में फिर मिलेंगे, कोई पड़ोसी बनेंगे, कोई परिवार में आएंगे। तो क्योंकि हम संगम पे साथ हैं, तो सतयुग में भी साथ होंगे, और सतयुग तो बाबा कहते हैं वैसे भी एक छोटा गांव जैसा ही होगा, इसलिए हम सब सतयुग में जाने वाले हैं, बाबा के वारिस बच्चे हैं सभी, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। आज से किसी के मन में कुछ भी अगर संशय का थोड़ा भी कुछ था, उसको आज खत्म करके, बाबा आपके अलावा और कुछ नहीं, एक ही रिश्ता और एक ही रास्ता है हमारे पास, एक ही आपके साथ हमारा रिश्ता है, सभी रिश्ते आपके साथ, और एक ही ये रास्ता है जो आपने हमें बताया है, इसके अलावा और कोई रास्ता अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इतना निश्चय जब होगा, तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अच्छा, ओम शांति।